यूपीएससी के रिजल्ट आए और बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा के जुड़े हुए बच्चों ने यूपीएससी के अंदर कमाल कर दिखाया। 8-10 से मेरी भी बात हुई और उनने अपना कोविड के दौरान पढ़ाई का और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसे उनका मनोबल बना रहा वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं तो उन तमाम बच्चों को बधाई देता हूँ जिसने इस एग्ज़ाम को क्लिक भी किया, और साथ के साथ उनको भी कहना चाहूँगा जो रह गए कि मौके ख़त्म नहीं हुए, अभी भी आपकी जीवन के अंदर और ऐसे सुनहरे मौके आएंगे, क्योंकि लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को देने का काम किया था और उसके अंदर सैकड़ों का सिलेक्शन हुआ। और खुशी की बात है कि जिस मात्रा में पहले हम देखते थे और प्रदेशों के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लिक करते थे, इस बार हरियाणा के बच्चों ने दोबारा देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है, और साथ के साथ लड़कियों ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। मैं तो तमाम उन बच्चों को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनका ये प्रयास रहता था कि गांव के बच्चों को भी वो शिक्षा का स्तर मिले, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जाकर शहर के बच्चों से कंपीट करें, और इस बार के रिजल्ट ये शोकेस करते हैं। अभी मेरी 104 रैंक में हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं राजकुमार, उनके बेटे से बात हुई, ब्राह्मण गांव के रहने वाले, और जिस तरीके से उस युवा साथी का हौसला था ये अपने आप में दर्शाता है कि अब गांव का बच्चा भी पूरी तौर पर शहर के युवाओं के साथ कंपीट भी कर रहे हैं, कंपीट में उस कंपीटिंग के साथ साथ अचीव कर दिखा रहा है कि आज जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो उसी प्रगति पर चल रहा है जैसे हमारा शहरी क्षेत्र पहले चल। चौधरी देवीलाल जी की आज 108वीं जयंती है, और इस उपलक्ष्य में जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी का सबसे ऊंचा स्टैचू नू के हिलालपुर गांव में लगाने का जो निर्णय था, क्योंकि नू जिले में चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैचू नहीं था, और साथ के साथ हमें ये मौका मिला कि जो हमारा डीएनडी से शुरू होता हुआ मुंबई तक, दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर नॉर्थ टू साउथ को जोड़ने वाली सड़क पे सबसे ऊंची प्रतिमा चौधरी देवीलाल जी की लगेगी। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका जीवन रहा है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ऐसे कदम उठाए जिसने सोसाइटी को एकजुट करने का काम किया, और एकजुट कर ऐसे डाइवर्सिफाइड स्टेप्स उठाए जो शायद किसी ने अपने जीवन में कभी इमेजिन नहीं किए थे, चाहे वो सोशल इक्वालिटी के लिए बुज़ुर्गों के सम्मान की बात, विधवा की पेंशन की बात। आज के दिन कोई हमारा हैंडीकैप्ड इम्पेयर्ड साथी है उसके सम्मान की बात, और तो और आज हम मनरेगा की बात करते हैं, वो भी एक स्वरूप काम के बदले अनाज के तौर पर सबसे पहले अगर देश में दिया तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने दिया, और तो और मैटरनिटी लीव जो दुनिया भर के अंदर आज अडॉप्ट करी जा रही है उसको भी अगर एक मूल स्वरूप किसी ने देने का काम किया तो जच्चा बच्चा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। और मैं तो मानता हूँ कि जो उनने सोसाइटी में डाइवर्सिफाई कर इक्वालिटी लाने का काम किया, आज उनको जननायक जनता पार्टी की ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से
उनकी एक प्रतिमूर्ति एक ऐसा संदेश देने का काम करेगी कि नॉर्थ से साउथ जोड़ने वाले हमारे मेजर हाईवे को कनेक्ट करते हैं, हर आने जाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनकी याद भी दिलाती रहेगी और वो दिखाएगी कि सोशल डाइवर्सिफिकेशन कैसे इक्वालिटी के तौर पर लाकर, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने करकर दिखाया था, हमें उनसे सीखना भी चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर उसको अपने जीवन में लेकर जाना। जिस तरीके से पिछले एक वर्ष में MSP बढ़ी है, आज फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट में भी एक बहुत बड़ा कदम है, और हम प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर कर रहे थे और प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर करते हुए ये सामने आया कि पिछले एक वर्ष की और इस एक वर्ष की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमारे इजाफा हुआ है MSP बढ़ने से, उसे हरियाणा के किसान के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपए एडिशनल हमारी सरकार ने पहुँचाने का काम किया। और मैं तो ये अचीवमेंट मानता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले वीट की पहली क्रॉप में हमने DBT शुरू किया था, बहुत रेजिस्टेंस आई थी, मगर उस हरियाणा प्रदेश के किसान हितेशी कदम को आज हम अडॉप्ट करते हैं, तो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, जो लोग विरोध करते थे उनने भी उसको अडॉप्ट किया, और पैडी पैडी के अंदर पंजाब और अन्य प्रदेश जहां पैडी की FCI द्वारा प्रोक्योरमेंट करी गई, वीट की जहां प्रोक्योरमेंट करी गई, प्रति प्रदेश में किसान के खाते में पैसा पहुँचा कर कहीं ना कहीं किसान को भी प्रगति के पथ पर हम ले जाने का काम किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख से, क्योंकि डिलेड मॉनसून है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा कि एक एक क्रॉप को MSP पे सरकार ले और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुँचाने का काम करें। इसी सोच के साथ हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पूरी तौर पर नमन भी करते हैं और ये विश्वास भी रखते हैं कि उनकी जो सोच, उनका जो विजन था, एक एक व्यक्ति इसी तरह उसको अडॉप्ट करता रहे और आज नू से उसको और प्रोग्रेसिव तरीके से हम उनको याद करते हुए आगे ले जाने का काम करें।